आज हम करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसे कोई आप टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब नॉर्मल कहना चाहे तो ये है कि आप इसको डिवाइड करो, ठीक है ना, न्यूमरेटर में डिवाइड करो डिनोमिनेटर से। तो ये तो बहुत ईजी है। स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें आपके लिए, आपकी दोस्ती के लिए, आपके अपने अपने दोस्तों को जरूर सुनाना। किस हद तक जाना है ये कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है ये कौन जानता है, दोस्ती के ये दो पल जी भर के जी लो, किस रोज बिछड़ जाना है ये कौन जानता है। मैं विवेक पत्रिया आपका प्रीवियस लर्निंग में स्वागत करता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो ये कह रहा है कि 30 में 1, 3, 1, 2, 5 से अगर डिवाइड करे तो क्या रिजल्ट निकलेगा। तो डिवाइड करो, देखो 30 में अगर 3, 1, 2, 5 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो डेसिमल लगा के एक जीरो लिखा। उसके बाद फिर डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो फिर एक और जीरो लिखा, ऊपर भी जीरो लिखेंगे, फिर डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, फिर एक और जीरो लिखा, तो डेसिमल के बाद दो जीरो आएंगे, क्लियर है। अब ये 13000 में कितनी बार डिवाइड करे तो आसपास आ जाए, फुल टाइम तो जा नहीं रहा, तो 1, 2, 5, 4, 0 टाइम इसको डिवाइड करेंगे, 4 टाइम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 3, 1, 2, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है 1, 2, 5, 0, इसको माइनस करेंगे इससे तो ये आ रहा है 500, कितना आ रहा है 500, यहाँ पर आ रहा है आपका ये 500, इन दोनों को माइनस करने पर आ रहा है 5, यहाँ पर लगाओ 500, लेकिन क्या 500 में डिवाइड हो रहा है क्या इससे, नहीं हो रहा, तो डेसिमल तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ पर एक जीरो और पुट कर दो। अब 5000 में इसे डिवाइड करो तो 1 टाइम डिवाइड होगा 3, 1, 2, 5, 5000 में अगर 3, 1, 2, 5 से माइनस करते हो आप तो आपका आएगा 1875, क्या 1875 में डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो डेसिमल तो लगा हुआ है तो एक जीरो लगा दो। अब 1875 में फुल टाइम डिवाइड हो रहा है किससे, 3125 से, 6 टाइम, देखो ये रहा 6 तो ये रहा 1875, आपका आंसर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आपका आंसर ये, मतलब कहने का मतलब है नॉर्मल आपको डिवाइड करना है। 17 में 8 से डिवाइड करना बहुत इजी क्वेश्चन है, 17 में 8 से डिवाइड करोगे 2 टाइम जाएगा 16, फिर 17 में 16 माइनस करो 1 आएगा, डेसिमल लगाओ क्योंकि 1 में तो डिवाइड होगा नहीं 8 से, तो डेसिमल लगाने पर यहाँ पर 0 आ गया। फिर 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, देखो ये रहा 1 टाइम डिवाइड हो रहा है 8, 10 में से 8 गए 2, ठीक है, फिर डेसिमल है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 20 में आप डिवाइड करो 8 से, 2 टाइम जाएगा 16, क्लियर है। अब देखो 20 में से 16 माइनस करो 4 आएंगे, 4 में डिवाइड होता नहीं है, डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 40 में डिवाइड करो 8 से तो ये आ रहा है फुल टाइम जा रहा है 5 टाइम जाएगा, तो ये आपका आ रहा 0। सब क्वेश्चनों में ऐसे करना है, नॉर्मल आपको डिवाइड करना है, जय बम बम बोले। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर देखो 3 है। अब इसको सोल्व नहीं करना है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले लेंगे। अपने जब वो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना तब अपने चेक किया था कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखो ये जो ना आपका डिनोमिनेटर, ये आपका क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, 5 × 7 × 13, तो मैंने आपको तीनों कंडीशन बता रखी है। अगर 2 की पावर m × 5 की पावर n हो, या 2 की पावर m हो, या 5 की पावर n हो, अगर यही हो तभी जाके आपका आंसर सही होगा, वरना टर्मिनेटिंग होगा नहीं, वरना नहीं होगा। तो क्या आपका डिनोमिनेटर आ रहा है क्या, तीनों कंडीशन में कोई कंडीशन क्लियर हो रही है क्या, सिर्फ 5 है, 2 तो इसमें है नहीं, और 7 और 13 नहीं होना चाहिए था, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस खत्म, टाटा बाय बाय, इसको सॉल्व करेंगे। 15 upon 1600, देखो 15 में अगर आप 1600 से डिवाइड करते हो तो नहीं जाएगा, तो एक काम करो यहाँ पर डेसिमल लगाओ, डेसिमल का 0 आ गया, 150 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, फिर एक जीरो लगा के एक जीरो लगाओ, फिर जा रहा है क्या 1500 में, 1600 से अभी भी कम है, तो एक जीरो और लगा के यहाँ जीरो लगा दो। अब जा रहा, देखो 15000 में 1600 से आप डिवाइड करो नियर बाई तक तो 9 टाइम डिवाइड होगा, ये 14400 है, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ रहा है आपका कितना, 600 आ रहा है, क्या 600 में डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है ना, तो एक जीरो ऑलरेडी आपके पुट हो जाएगा उसमें। 6000 में डिवाइड करो 1600 तक नियर बाई, क्योंकि फुल टाइम तो जाएगा नहीं, तो ये क्या आएगा 4800,
खत्म टाटा बाय बाय। आप देखो कितनी बार आया, ये थ्री टाइम आया, ठीक है ना। 16 × 3 कितना होगा 48, ये हो जाएगा 48,100। उसके बाद में 6,000 में 4800 से माइनस करो तो ये आ रहा है आपका 1200। 1200 में 16,000 से आपका डिवाइड हो रहा है क्या? तो नहीं हो रहा, आज तो उल्टा सीधा हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। अब 12,000 में डिवाइड करो 1600 से, नियर बाई तक करो तो ये क्या कितनी बार जा रहा है, 7 टाइम जा रहा है 11200। इसमें से इसको माइनस करो कितना आ रहा है आपका 800, फिर एक डेसिमल का जीरो लग जाएगा। 8000 में डिवाइड करो 1600 से, ये आपका फुल टाइम डिवाइड हो रहा है 8000, क्योंकि 16 × 5 करो तो ये आ रहा आपका 80, है ना। 16 × 5 80 और 00 उसका पुट हो जाएगा तो ये 5। इसका मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर ही है, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो डेसिमल फॉर्म में 0.009375। हो सकता है कि आप घर पे कैलकुलेटर यूज कर लो, लेकिन एग्जाम में कैसे करोगे, ठीक है ना। तो इसको आपको ऐसे निकालना है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है उसको नहीं लेंगे, उसको ऐसे करके छोड़ देना, बाकी जो टर्मिनेटिंग वाले है ना वो लेने। टर्मिनेटिंग के लिए मैंने आपको कल वाली क्लास जाके देख लेना कैसे कराया था मैंने आपको, कि आपका जो डिनोमिनेटर है ना उसको देख कर करना पड़ता है कि वो टर्मिनेटिंग आ रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग, उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। तो कल की क्लास जाके देख लेना, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी के क्वेश्चन आप कल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी, कल कोशिश करेंगे कि सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और बस एक क्वेश्चन और बाकी है थर्ड, तो कोशिश करेंगे या तो कल करा दें या तो परसों तो हो ही जाएगी, किस बात का देर है आपको, ठीक है। तो शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी चला के बैठे रहो, ठीक है, हमारे यहाँ पर भी चल रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, लाइक कमेंट जरूर करें, बाय बाय।